तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज बनेगा बेबी कॉर्न्स का बहुत ही मस्त रेसिपी, जिसका नाम है चिली बेबी कॉर्न्स। जिसके लिए मैंने बेबी कॉर्न्स को 5 मिनट के लिए पानी में अच्छे से उबाल लिया है। उसके बाद मैंने एक बाउल में इसे ट्रांसफ़र किया है और गाइस ऊपर से मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर स्प्रिंकल करके इसे अच्छे से कोट कर दिया है। उसके बाद मैंने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से हॉट कर लिया है। उसके बाद गाइज मैंने इसे अच्छे से हिला हिला कर डीप फ्राई किया है अंटिल ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाए। जैसे ही हमारे बेबी कॉर्न्स जो हैं क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो मैंने इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है। और गाइज अब मैं लूँगी एक दूसरी कढ़ाई, उसमें डालूँगी थोड़ा सा ऑयल और उसके बाद मैंने इसमें डाली है मार्केट मेड जिंजर गार्लिक की पेस्ट। अच्छे से स्टिर करूँगी और उसके बाद मैंने डाइस किया हुआ अनियन और कैप्सिकम इसमें डाल के अच्छे से स्टिर फ्राई किया है। ऊपर से मैंने 5 मिनट के लिए ढक दिया था और अब मैंने डाला है नमक, लाल मिर्च और काली मिर्च। अच्छे से स्टिर करूँगी और फिर मैंने डाला है इसमें सोया सॉस, विनेगर। फिर से मिक्स करने के बाद गाइस मैंने कॉर्नफ्लावर की स्लरी डाली है, जो कि मैंने कॉर्नफ्लावर और पानी को मिक्स करके बनाया है। इसमें डालने के बाद गाइस जैसे ही हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक हो जाएगी तो मैंने इसमें अपने फ्राइड कॉर्न्स डाले हैं। और उसके बाद गाइस मैंने थोड़ी सी टमाटो केचप डाली है और इसे अच्छे से मिक्स किया है। ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, आप भी बनाएं।